हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसे कि आप जानते हैं, हम कोल्ड वॉर पर बात कर रहे थे, जिसमें हमने ओरिजिन पर अभी तक बात की, नेचर, मीनिंग और कॉजेज पर अब तक बात कर ली है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, कुछ कॉन्फ्रेंसेज आज हम देखेंगे और कुछ और टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स बिगिन। सो जब हम कॉजेज पढ़े थे, जिसमें हमने सिस्टम स्टेज एक्सप्लेनेशन पढ़ा, इंडिविजुअल स्टेज एक्सप्लेनेशन पढ़ा, इसके बाद जो है कोल्ड वॉर का जो बेस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया था। अब इसे हम और अच्छे से समझने के लिए कुछ कॉन्फ्रेंसेस देखेंगे। सबसे पहले जो कॉन्फ्रेंस है वो है तेहरान कॉन्फ्रेंस। देखो, एशिया देश ईरान की राजधानी, ईरान की कैपिटल तेहरान में 28 नवंबर से 1 दिसंबर 1943 को एक कॉन्फ्रेंस जो है हेल्ड किया गया, जिसमें 3 अलाइड नेशंस के लीडर्स जो है साथ में आए। ये लीडर्स कौन कौन से थे? यूएस के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ब्रिटिश के पीएम थे विंस्टन चर्चिल और सोवियत यूनियन के राष्ट्रपति थे जोसेफ स्टालिन। ओके, ये कॉन्फ्रेंस जो है यूरोप और ईरान के रिलेशन में कुछ सोच विचार के लिए बुलाया गया था, जिसमें कुछ मेन जो है डिसीजंस लिए गए, इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है लिए गए थे। सबसे पहले इन तीनों राष्ट्र यानी कि तीनों नेशंस ने ईरान के सोवरेनिटी, लिबर्टी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी यानी कि प्रादेशिक अखंडता के प्रति कमिटमेंट सबसे ज़्यादा दिखाने की कोशिश की। सेकेंडली, तीनों नेताओं के साथ उनके जितने भी मिलिट्री लीडर्स थे वो भी साथ आए थे और उन्होंने जर्मनी को डिमोलिश करने की प्लानिंग की। जर्मनी के डिमोलिश मतलब होता है बर्बाद करना, ठीक है। इस कॉन्फ्रेंस में एक सीक्रेट डिसीजन भी हुआ जो 1946 में दिखने लगा। ये तय किया गया कि जर्मनी के अगेंस्ट नॉर्मंडी में दूसरा मोर्चा यानी कि सेकंड फ्रंट खोला जाएगा। इससे दूसरा जो फ्रंट रहेगा यानी कि सेकंड फ्रंट जो रहेगा, खुलते ही सोवियत संघ बहुत बड़ी सेना के साथ जर्मनी पर पूर्व की तरफ से धावा बोल देगा और जर्मनी वेस्टर्न से अपनी जो सेना को पूर्व में भेजने का जो अपॉर्चुनिटी उसे मिल रही थी उसे नहीं मिल पाएगी और उसकी जो लड़ाई है बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाएगी, ठीक है। टर्की को मित्र राष्ट्रों के सपोर्ट में मिलाने की कोशिश की जाएगी। यूगोस्लाविया में नाजियों के अगेंस्ट कॉन्फ्लिक्ट में पूरी हेल्प दी जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे डिसाइड की गई। सो इस कॉन्फ्रेंस में किए गए डिसीजंस के डिसरिगार्ड की वजह से कोल्ड वॉर की शुरुआत मानी जा सकती है, ठीक है। ये रीज़न भी बहुत मेन रहा। नेक्स्ट बात करते हैं याल्टा कॉन्फ्रेंस के बारे में। देखो, क्रीमिया में याल्टा के पास में लिविडिया पैलेस में दोबारा तीनों देशों के नेताओं ने 4 से 11 फरवरी 1945 तक हेल्ड सम्मेलन में शामिल हुए। इस कॉन्फ्रेंस को क्रीमिया कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है, ठीक है। और इसका एग्रोनॉट कॉन्फ्रेंस था, ये एक एर्गोनॉट कॉन्फ्रेंस था यानी कि बहुत ही सीक्रेट कॉन्फ्रेंस थी। इस कॉन्फ्रेंस में जर्मनी, पूर्वी यूरोप और सुदूर पूर्व की जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उन पर सोच विचार किया गया। सो यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र से जितनी भी चीज़ें थी, जितनी ड्राफ्ट, इन सब को द डम्बर्टन ओक्स कॉन्फ्रेंस में ही तैयार किया गया था। जितना भी ड्राफ्ट था ना संयुक्त राष्ट्र का यानी कि यूएनओ का जो ड्राफ्ट था वो डम्बर्टन ओक्स कॉन्फ्रेंस में ही तैयार किया गया था। फिर भी कुछ अधूरे कामों को याल्टा में ही पूरा किया गया, जैसे कि सोवियत संघ के अलावा यूक्रेन और बायलोरशा को भी यूएन का मेंबर बनाया गया। यूएस, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना को बड़ी पावर्स का दर्जा दिया जाएगा, ठीक है। और उन्हें सिक्योरिटी काउंसिल में उन्हें परमानेंट मेंबरशिप दी जाएगी। वीटो के लिए भी क्या साफ किया गया कि 5 में से अगर कोई एक मेंबर नेशन भी अपनी सहमति नहीं जताता है तो उन्हें वीटो का इस्तेमाल करना पूरी तरीके से मान्य रहेगा, ठीक है। अब याल्टा कॉन्फ्रेंस में क्या क्या डिसीजंस लिए गए जो कि कोल्ड वॉर के रेफरेंस में काफ़ी मायने रखते हैं, इन पर बात करते हैं। देखो, जर्मनी और इटली के कंट्रोल से फ्री कराए गए देशों में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स की एस्टैब्लिशमेंट किया जाएगा, ठीक है। सेकंड, जर्मनी को हराने के बाद उसका बंटवारा 4 क्षेत्रों में कर दिया जाएगा, ठीक है, जिन्हें क्या कहा गया, ऑक्यूपाइड जोन, राइट। ओके, अनदर पॉइंट इज पोलैंड की पूर्वी सीमा को तय करने का डिसीजन लिया गया। सोवियत यूनियन की मांगों की वजह से कुछ फेरबदल के साथ कर्जन लाइन को उसकी पूर्वी सीमा मान लिया गया था। यूगोस्लाविया में मार्शल टीटो के लीडरशिप वाली गवर्नमेंट बनाने के अपने पिछले वादे को दोहराया गया। टीटो सबसिस्ट अग्रीमेंट में ये शर्त थी कि लंदन में जो इलेक्टेड गवर्नमेंट यानी कि जो वॉर से पहले इमीडिएट पार्लियामेंट मेंबर्स को नई अंतरिम गवर्नमेंट में जगह दी जाएगी, ठीक है। याल्टा कॉन्फ्रेंस में ये माना जाता है कि जितने भी डिसीजंस यहाँ लिए गए थे इन्हीं की वजह से जो है कोल्ड वॉर बकायदा शुरुआत मानी जाती है कोल्ड वॉर की। ओके, अनदर कॉन्फ्रेंस इज पोर्सडम कॉन्फ्रेंस। देखो, जर्मनी की कैपिटल बर्लिन के पास में पोर्सडम में 17 जुलाई से 2 अगस्त 1945 के दौरान एक कॉन्फ्रेंस जो है हेल्ड किया गया।
इस कॉन्फ्रेंस में ट्रूमैन, स्टालिन, च्वांग काई शेक और चर्चिल जैसे लीडर शामिल थे। हालांकि कॉन्फ्रेंस के दौरान ब्रिटेन में आम चुनाव यानी कि कॉमन इलेक्शन के चलते सत्ता चेंज हो गई थी, यानी सत्ता परिवर्तन हो चुका था, ठीक है। और चर्चिल की जगह मजदूर दल के एटली प्रधानमंत्री बने और जितने भी बचे हुए समय उन्होंने ही कॉन्फ्रेंस में ब्रिटेन को रिप्रेजेंट किया, ठीक है। जर्मनी को 4 अधिकृत क्षेत्रों में बांटा गया, राइट, ब्रिटेन, फ्रांस, संयुक्त अमेरिका यानी कि USA और सोवियत यूनियन ने अपने अपने कंट्रोल वाले हिस्से पर अधिकार जमा लिया। इन 4 देशों के अलावा चाइना के भी विदेश मंत्री को मिलाकर एक कमिटी बनाई गई जिसने शांति संधियों की पीस ट्रीटीज़ के ड्राफ्ट का निर्माण किया। इस समिति ने इटली, हंगरी, फिनलैंड, रोमानिया और बुल्गारिया के साथ शांति संधि यानी पीस ट्रीटीज़ के ड्राफ्ट को बनाया। इसके बाद जर्मनी के साथ जितने भी शांति संधि का मसौदा तैयार किया गया, इस मसौदे में एक निर्देशक सिद्धांत तय किए गए और इन्हीं के बेस पर जर्मनी का भाग्य जो है निर्धारित कर दिया गया, डिटरमाइन कर दिया गया। जैसे जर्मन नौसेना का विभाजन और जितने भी सैन्य जहाज़ों का बंटवारा, साथ ही ये डिसीजन भी लिया गया कि जर्मनी का निरस्त्रीकरण किया जाएगा, ठीक है। सो कॉन्फ्रेंस में ये भी डिसीजन लिया गया कि अलाइड नेशन की जो सेनाएं हैं वो जल्द ही ईरान से वापस बुलाई जाएंगी और ऑस्ट्रिया से किसी भी तरीके की क्षतिपूर्ति यानी कोई भी वसूली नहीं की जाएगी। जापान के रेफरेंस में डिसीजन लिया गया कि उसके सरेंडर के बाद वहाँ साम्राज्यवादी एलिमेंट्स को ख़त्म कर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की एस्टैब्लिशमेंट किया जाएगा, ठीक है। सो पोट्सडम कॉन्फ्रेंस में तय की गई जितने भी शर्तें थी उनका दोनों तरफ से उल्लंघन किया गया। याल्टा, पोर्ट्समैन, ये सब जितने भी डिसीजन लिया गया था, जर्मनी को 4 हिस्सों में बांट लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। पोर्ट्सडम कॉन्फ्रेंस के कुछ ही दिनों बाद अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने जापान पर न्यूक्लियर अटैक के ऑर्डर्स दे दिए। हैरानी की बात यह है कि इतना बड़ा जो डिसीजन है उन्होंने अपने सहयोगी सोवियत संघ की सलाह के बगैर ले लिया। जो भी हो, 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो एक ब्लैक चैप्टर जो है बन गए, जिनमें ह्यूमन हिस्ट्री का हर शब्द जो है हिरोशिमा और नागासाकी के मासूमों के खून से लिखा गया। संयुक्त राज्य अमेरिका एंड USA का तर्क ये था कि पोर्ट्सडम कॉन्फ्रेंस में जापान के सरेंडर के लिए जो शर्तें डिटरमाइन की गई थी उन्हें जापान ने एक्सेप्ट कर दिया और हमें परमाणु अस्त्र का प्रयोग करना पड़ा। 10 अगस्त 1945 को जापान ने सरेंडर कर दिया, हालांकि समर्पण दस्तावेजों पर सिग्नेचर होने में कुछ समय लग गया। ओके, अब हम समझेंगे कोल्ड वॉर को इंटरनेशनल रिलेशंस के थ्रू इसकी एक्सप्लेनेशन को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे रियलिस्ट के थ्रू। देखो, यथार्थवादी यानी कि रियलिस्ट, खासकर न्यू रियलिस्ट जो है जर्मनी और जापान की जब हार हुई थी उसमें मध्य यूरोप और पूर्व एशिया में वहाँ से जो क्या चीज़ निकल कर आई थी, वो आई थी द कॉन्सेप्ट ऑफ वैक्यूम यानी कि शून्यता की अवधारणा जिसे कहा जाता है। अब द कॉन्सेप्ट ऑफ वैक्यूम का मतलब होता क्या है? इसका मतलब होता है जो कि धुरी राष्ट्र होते हैं उनकी हार के बाद और ब्रिटेन और फ्रांस जैसे जितने भी अलाइड नेशंस की हालत से यूरोप और पूर्वी एशिया में कोई पावर नहीं बची और वॉर के बाद वहाँ की जो भी कंडीशन हो रही थी उसको कंट्रोल में करने के लिए कोई भी नहीं था, कोई भी इतना कैपेबल नहीं था कि इस चीज़ को कंट्रोल में कर पाए। वहाँ एक तरीके की एक पावर जो थी वो एक ज़ीरो के जैसे हो गई थी, हम बोले ज़ीरो की जैसी हालत हो गई थी, कुछ भी नहीं हो पा रहा था। और US और सोवियत यूनियन अपनी अपनी पॉलिसीज़ और अपनी अपनी एक्शंस के थ्रू उस ज़ीरो को भरने की कोशिशें कर रहे थे। इससे बहुत मुमकिन था कि टकराहट हो और हुई भी, हालांकि वो कभी सैन्य मुठभेड़ में तब्दील हुई और फिर दोनों सुपर पावर्स में म्यूचुअल तनाव जो है बढ़ने लगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे लिबरल थॉट पर। देखो, जो उदारवादी विचारधारा यानी कि जो लिबरल आइडियोलॉजी है, इस कॉन्फ्लिक्ट का जो मेन रीज़न है किसे मानते हैं, सोवियत टोटालिटेरियन को बताती है। टोटालिटेरियन का मतलब क्या होता है? अधिनायकवाद, यानी कि जो एक ऐसा शासन चलाते हैं जहाँ पर सिर्फ उनका राज चलता है। तो सोवियत नेताओं ने हमेशा अपने सत्ता पर पकड़ बनाए रखने के लिए क्या किया, रूसी लोगों का ध्यान जो है वो बाहरी इनसिक्योरिटीज़ पर लगा के रखा। तो जब मासेस जो होती है वहाँ की जो जनता का जो डर है उनके शासन की कुंजी थी, ठीक है। तो उदारवादी को क्या कहना है कि जो सोवियत शासक है, सोवियत जो रूलर्स हैं, उन्होंने रूस और अधिकृत पूर्वी यूरोप में ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन किया है और साथ ही US के लोगों की सोच को एकदम अलग कर दिया। उन्होंने जनता को हमेशा से ये डर दिखाया कि विदेशी ताकतें हमें निगल जाने को बेताब है और US को वो एक साम्राज्यवादी दानव के रूप में जो हमेशा से पेश करते थे, ठीक है।
नेक्स्ट मार्क्सिज्म के अकॉर्डिंग इसे समझ लेते हैं। देखो यूएस और उसके जितने मित्र देशों की नीतियों को जो है क्या माना गया है मार्क्सिज्म के थ्रू कि उन्होंने पूरी तरीके से सोशलिज्म का गला घोट दिया है, सोशलिज्म को ख़त्म कर दिया है और कैपिटलिज्म को लाने की बहुत ज़्यादा यहाँ पर कोशिश की गई है। तो उनका क्या मानना है कि पूंजीवाद को दुनिया भर में फैलाने के लिए जितने भी गैर पश्चिम देशों को डेवलप्ड वेस्टर्न कंट्रीज के थ्रू जितने भी आर्थिक रूप से यानी कि इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा कमज़ोर बनाया जा रहा है ताकि वो देश आर्थिक रूप से इन्हीं देशों पर निर्भर हो जाए, यानी कि ऐसे देश ऐसे यूरोपियन कंट्रीज हो गए, ऐसे देश जो कि डेवलप्ड कंट्रीज इतनी नहीं है उन्हें उन डेवलप्ड कंट्रीज़ पर बहुत ज़्यादा निर्भर कर दिया गया है। किसका मानना है मार्क्सिस पर, उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गई है किस पर, कैपिटलिस्ट कंट्रीज पर। ठीक है, सो मार्क्सिज्म का क्या मानना है कि जितनी भी ये चीज़ें हो रही हैं ये इकोनॉमिक डिपेंडेंस जो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है किस पर, कैपिटलिस्ट कंट्रीज पर। ठीक है, और ये लोग क्या करते हैं सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ का, यानी उन कंट्रीज़ का जहाँ पर जिनका डेवलपमेंट इतना नहीं हुआ है, इनको बहुत ज़्यादा ये लोग अपने पर डिपेंड करते हैं जानबूझ के ताकि इनका जो है एक्सप्लॉयटेशन किया जाए। ठीक है, सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, आई होप आपको टॉपिक्स क्लियर हो गए हो। कोई भी डाउट अगर आपको होता है तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट्स में ज़रूर पूछें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।